कई लोग नहीं जानते कि भगवान गणेश हमेशा मूषक पर क्यों सवार होते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। एक बार भगवान इंद्र के दरबार में क्रौंच नामक गंधर्व रहता था, जो अप्सराओं के साथ छेड़खानी कर रहा था। गंधर्व इंद्र के दरबार में संगीतकार हुआ करते थे। जब इंद्र ने यह सब देखा तो उन्होंने क्रौंच को अपने पूरे जीवन के लिए एक मूषक बनने का श्राप दिया। क्रौंच मूषक बनकर आसमान से ऋषि पराशर के आश्रम में गिरा। क्रौंच ने आश्रम के ग्रंथ, भोजन, वस्त्र सब तहस नहस कर दिए। यह सब देखकर ऋषि पराशर बहुत दुखी हुए और भगवान गणेश की मदद के लिए उनके पास गए। भगवान गणेश ने अपने शस्त्र पाश को फेंका, जिसने क्रौंच का पाताल लोक तक पीछा किया, और पाश ने क्रौंच को पाताल लोक से जकड़कर सीधा भगवान गणेश के सामने पेश किया। जब क्रौंच होश में आया, उसने क्षमा मांगी और भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया, और तब भगवान गणेश ने उसकी भक्ति से खुश होकर उसे एक वरदान मांगने की अनुमति दी। क्रौंच ने भगवान गणेश से कहा कि मैं सिर्फ आपका वाहन बनकर अपने पूरे जीवन आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान गणेश ने कहा, तथास्तु।